झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने सूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें खान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी चल भूल गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को खड्डे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंची। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो मारकर झूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। धूप तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे।
आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।